Good morning, children. I am Vandana Mishra. Again, I am here with your EVS class. In the EVS, we had studied two chapters. Now, this is the time to study the third chapter. And the name of your third chapter is From Tasting to Digesting. As the name is suggesting, means this is about the process of digestion. इसका नाम ही बता रहा है कि ये चीजों को टेस्ट करने और डाइजेशन से रिलेटेड है. चिल्ड्रन, कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेशन? बेटा, आप जो भी खाते हैं पहले उसे अपने टीथ से च्यू करते हैं, जिससे वो छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है और फिर ये छोटे छोटे पीसेस में फूड आपके सलाइवा से मिलकर आपके एलिमेंट्री कैनाल में अंदर जाता है और फिर डिफरेंट ऑर्गन्स से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं और वो इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं. और जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो इसी फूड से हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. बच्चों, आप लोगों ने अपने पिछली क्लास में फूड के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा होगा ना. हमें फूड से कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं? लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट एंड मिनरल्स एंड विटामिन्स. हर एक न्यूट्रिएंट का अलग अलग वर्क होता है. चलिए अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग. यहाँ पर पहले एक स्टोरी दी है, डिफरेंट टेस्ट. अब ये डिफरेंट टेस्ट के बारे में है. आपको पता है जो भी डिफरेंट फूड आइटम्स आप लेते हैं, हर एक की स्मेल और हर एक का टेस्ट अलग अलग होता है. अगर आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाए और फिर आपके मुंह में कुछ फूड आइटम्स डाले जाएं, तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? श्योर, हम उन्हें जरूर पहचान लेंगे, क्योंकि हम जिन चीजों को खाते हैं उनके टेस्ट के बारे में हमें पता चल जाता है. साथ में हमें उनकी स्मेल से भी उनके बारे में पता चल जाता है. यहाँ ऐसा ही एक गेम हो रहा है. झुम्पा ran into the kitchen and caught hold of her mother, saying, "Ma, I'm not going to eat this bitter करेला, bitter gourd." झुम्पा किचन में गई और अपनी मम्मी को पकड़ कर बोली, माँ, मैं इस कड़वे करेले को नहीं खाऊंगी. करेले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिटर गर्ड. बिटर गर्ड बेटा, करेला, लौकी, तरोई, कद्दू, ये सब एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं. प्लांट्स की एक ही फैमिली होती है, कुकुरबिटेसी, उसके ये मेंबर होते हैं. अब ये करेला, ये वैसे तो कड़वा होता है लेकिन ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसके कड़वे होने के कारण कुछ बच्चे इसे नहीं पसंद करते. अब झुम्पा भी वही कह रही है कि वो इस कड़वे करेले को नहीं खाना चाहती. गिव मी गुड़, जैगरी एंड रोटी. माय स्माइल्ड एंड सेड, यू एट रोटी एंड शुगर इन द मॉर्निंग. झूलन टीस्ट झुम्पा, डोंट यू गेट बोर्ड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ टेस्ट. अब झुम्पा कह रही है, माँ मुझे गुड़ यानी कि जैगरी और रोटी दो. माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सुबह भी रोटी और शुगर मींस रोटी एंड चीनी खाई है. अब उसकी सिस्टर झूलन ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, झुम्पा तुम एक ही टाइप का फूड खाते हुए बोर नहीं हो जाती? एक ही टाइप के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती? क्योंकि आपको पता है गुड़ एंड शुगर दोनों ही मीठी होती हैं. तो झुम्पा सुबह भी उसने रोटी एंड शुगर खाया था और बाद में दोपहर को भी वो वही मांग रही थी. तो उसके सिस्टर ने बोला, तुम एक ही प्रकार के टेस्ट से बोर नहीं हो जाती? झुम्पा रिप्लाइड क्विकली, डू यू गेट बोर्ड विद लिकिंग इमली टैमरिंड? अब झुम्पा ने तुरंत आंसर दिया, तुम वो इमली चाट चाट कर बोर नहीं होती? इमली को क्या कहते हैं? टैमरिंड. इमली खट्टी होती है. इसका मतलब झुम्पा को तो मीठी चीजें पसंद है और उसकी सिस्टर झूलन को खट्टी इमली बहुत पसंद है. आई बेट योर माउथ इज वॉटरिंग जस्ट बाय हियरिंग द वर्ड इमली. श्योर, आई लव द सार इमली बट आई ईट स्वीट एंड सॉल्टी थिंग्स टू. अब उसकी जो सिस्टर थी, झुम्पा की सिस्टर झूलन, उसने आंसर दिया, पहले झुम्पा ने उससे कहा, जरूर इमली का नाम सुनकर ही तुम्हारे मुंह में पानी आने लगा होगा. पानी मीन्स
जब हम किसी अपनी पसंद की चीज के बारे में सुनते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा का सक्रीशन होने लगता है ना, जिसे कहते हैं मुंह में पानी आना। अगर हम टेस्टी चीजों के बारे में बात करें तो हमारे मुंह में अपने आप ही सलाइवा सक्रिएट होने लगता है, इसे कहते हैं मुंह में पानी आना, वॉटरिंग द माउथ। वैसे ही झुम्पा ने कहा, झूलन, इमली का नाम सुनते ही तुम्हारे मुंह में वॉटरिंग स्टार्ट हो गई होगी। तो झूलन ने कहा, श्योर, मुझे खट्टी इमली पसंद है, लेकिन मुझे मीठी और नमकीन चीजें भी पसंद हैं। आई इवन ईट करेला, सेड झूलन एंड लुक्ड एट हर मदर, दे बोथ लव्ड हार्टली। अब उसने अपनी ये झूलन ने अपनी माँ की ओर देखते हुए कहा कि मुझे यहाँ तक करेला खाना भी पसंद है। अब झूलन और उसकी माँ बड़ी खुशी से हंसने लगे। झूलन सेड टू झुम्पा, लेट्स प्ले अ गेम, यू क्लोज योर आईज एंड ओपन योर माउथ, आई विल पुट समथिंग टू ईट इन योर माउथ, यू हैव टू टेल व्हाट इज इट। अब झूलन ने झुम्पा के साथ एक गेम खेला। झूलन ने कहा, झुम्पा आओ एक गेम खेलते हैं, मैं तुम्हारी आईज को बंद करती हूँ, मीन्स तुम्हारी आईज में एक पट्टी बांध देती हूँ और तुम्हारे मुंह में कुछ खाने को डालूंगी, तुम्हें बताना है कि वो क्या है। झूलन टुक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ स्पून एंड पुट देम इन झुम्पाज माउथ। झूलन ने लेमन जूस के कुछ ड्रॉप लिए एक चम्मच में और उसे झुम्पा के मुंह में डाला। अब झुम्पा ने तुरंत रिप्लाई कर दिया, सार लेमन। झुम्पा ने भी तुरंत आंसर दे दिया, ये खट्टा नींबू है। बच्चों, आप लोगों की आंखों में पट्टी बांधकर अगर आपकी आंखों में भी ऐसे ही नींबू का रस डाले तो आप भी पहचान लोगे ना, श्योरली पहचान लोगे, क्योंकि हम कुछ चीजों को उनके स्वाद से तुरंत पहचान लेते हैं। ऐसे ही कोई आपके मुंह में मिर्च डाले तो भी आप पहचान लेंगे कि हाँ ये मिर्च है। ऐसे कोई आपके मुंह में अनियन डाले तो भी आप पहचान लेंगे। कोई इमली या टैमरिंड डाले तो भी आप पहचान लेंगे, क्योंकि हम चीजों को उनके स्वाद से जान लेते हैं। हम उन्हें ना भी देखें तो भी हम उनके टेस्ट से उन्हें पहचान लेते हैं। झूलन देन पिक्ड अप स्मॉल पीस ऑफ जैगरी। झूलन ने तब जैगरी यानी गुड़ का छोटा सा टुकड़ा लिया। उसकी माँ ने सजेस्ट किया, क्रश इट, अदरवाइज शी विल नो व्हाट इज इट। अब गुड़ का टुकड़ा तो हम गुड़ के टुकड़े के आकार से भी पहचान लेते हैं, तो इसलिए झूलन की माँ ने कहा, इसे क्रश कर दो, पीस दो, वरना झुम्पा के लिए इसे पहचानना इजी हो जाएगा। तो झूलन ने जैगरी को क्रश कर दिया एंड झुम्पा इजली गेस्ड इट। तब भी झुम्पा ने उसे आसानी से गेस कर लिया, क्योंकि गुड़ का टेस्ट भी यूनिक अलग सा होता है, इसलिए झुम्पा ने उसे इजली गेस कर लिया। दे प्लेड द गेम विद डिफरेंट आइटम्स। अब उन्होंने ये गेम अलग अलग आइटम्स के साथ खेला, मतलब अलग अलग आइटम्स झूलन ने झुम्पा के मुंह में डाले और आंख बंद होने के बावजूद भी झुम्पा ने उसे रिकॉग्नाइज कर लिया। झुम्पा कुड टेल द फ्राइड फिश इवन बिफोर टेस्टिंग इट। अब उसने फ्राइड फिश, तली हुई मछली उसके मुंह में डाली, वो तो उसने टेस्ट करने के पहले ही बता दी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि झुम्पा की नोज तो ओपन थी तो वो फिश की स्मेल को सूंघ सकती थी और उसने सूंघ कर ही उसका टेस्ट उसका नाम बता दिया, बिना टेस्ट किए हुए ही फिश को सूंघ कर बता दिया कि वो फिश थी। बच्चों, ऐसा होता है ना कि हमें फूड के स्मेल से भी पता चल जाता है कि ये कौन सी चीज है, हम उसे ना भी टेस्ट करें तब भी हम उसे उसकी स्मेल से पहचान लेते हैं। अब झूलन सेड, नाउ क्लोज योर नोज। अब झूलन ने उसके लिए कंपटीशन और भी टफ कर दिया। उसने कहा, तुम्हारी आंखें तो बंद है ही, अब तुम अपनी नोज भी बंद कर लो एंड टेल मी व्हाट दिस इज, और फिर मुझे बताओ ये क्या है। झुम्पा वाज कंफ्यूज्ड। अब झुम्पा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, क्योंकि हमें किसी का टेस्ट पहचानने के लिए उसकी स्मेल बहुत ही हेल्प करती है। तो हमारी नोज जब ओपन होती है तो हम टेस्ट से तो पहचानते ही पहचानते हैं, साथ में स्मेल से भी चीजों को पहचान लेते हैं। अब झुम्पा ने उसके झूलन के मुंह में कुछ डाला। अब झूलन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, झुम्पा थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। उसने कहा, ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा नमकीन है और थोड़ा सा खट्टा भी है, गिव मी वन मोर स्पूनफुल, अब तुम मुझे एक और चम्मच ये दो। झूलन टुक अनादर स्पूनफुल ऑफ द कुक्ड करेला।
चूलन ने एक चम्मच करेला उसके मुंह में फिर डाला। अनकवर झुम्पा's आईज, और फिर झुम्पा की आईज को अनकवर कर दिया, मतलब झुम्पा की आंखों को खोल दिया। एंड सेट हियर इट इज, और तब झुम्पा को बताया, देखो ये था। झुम्पा हंसी, यस गिव मी मोर, मतलब झुम्पा की जब नोज कवर कर दी गई और उसकी आंखें भी बंद थी तब वो करेले को पहचान नहीं पाई। उसने ये तो पहचाना, ये थोड़ा सा कड़वा है, थोड़ा सा खट्टा है और थोड़ा सा नमकीन है, लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाई। तब झुम्पा ने तब झूलन हंसी, और फिर जब झुम्पा की आंखें खुली गई तब फिर झूलन ने देखा कि ये तो करेला है, तो करेला तो उसे पसंद था, तो उसने कहा आप ये मुझे और दो क्योंकि मैं इसे और खाऊंगी। तो बच्चों अब इस लेसन का ये पार्ट हम यहीं फिनिश करते हैं और इसके पॉइंट्स पर अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।